कोरोना संक्रमण बढ़ते ही एक बार फिर जांच के लिए सैंपल अन्य राज्यों में भेजना शुरू हो चुका है। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज प्रतिदिन 1500 से अधिक सैंपल जांच के लिए अहमदाबाद भेज रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इंदौर शहर में रोजाना 4000 से ज्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं, जबकि संभाग के अन्य जिलों से भी जांच के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सैंपल पहुंच रहे हैं। इसके चलते बड़ी मात्रा में सैंपल का बैकलॉग एकत्रित हो गया है। बैकलॉग को खत्म करने के लिए फिर से सैंपल जांच के लिए अहमदाबाद भेजने की आवश्यकता पड़ने लगी है। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में पिछले 4 दिनों में 6000 से अधिक सैंपल जांच के लिए अहमदाबाद भेजे हैं। इसी चीज़ को हम लोगों ने रिव्यू किया और हमारी क्षमता भी 2000 सैंपल्स की है और रफली 3.5 से 4 हज़ार सैंपल्स आ रहे हैं, तो प्रतिदिन अब करीब 1.5 से 2 हज़ार सैंपल हम बाहर भेज रहे हैं और जिन सुप्राटेक और कृष्णा को जिनको भेज रहे हैं उनको इसी कंडीशन में भेज रहे हैं कि हमें 24 घंटे में इसके रिजल्ट चाहिए। तो व्यवस्था अब थोड़ी सुधरी तो है और मेरे ख्याल से 1-2 दिन में और इसकी रिजल्ट्स अपने को और हाँ कल ही हम लोगों ने करीब 1800 भेजे हैं और प्रतिदिन 1.5 से 2 हज़ार की रेंज में हम लोग भेज रहे हैं, तो करीब 6000 के सैंपल्स हम लोगों ने भेज दिए हैं। ये प्रक्रिया 3-4 दिन पहले ही शुरू हुई है, इसके रिजल्ट्स भी अब धीरे धीरे अपने को देखने को मिल जाएंगे। बड़ी संख्या में सैंपल जांच के लिए आने से जांच रिपोर्ट में भी देरी हो रही है। वर्तमान में रिपोर्ट आने में 5 दिन तक का समय लग रहा है, लेकिन अब एमजीएम मेडिकल कॉलेज दावा कर रही है कि 24 घंटे में रिपोर्ट दे दी जाएगी। इसके लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर भी बढ़ाए जा रहे हैं, करीब 450 के आसपास हाँ भेजे, मतलब अपन ने एक बार 99 भेजे थे, एक बार 103 भेजे थे और एक बार 192 अभी 3 दिन पहले। हाँ, इसको हम थोड़ा अपडेट कर रहे हैं। हमने पहले हमारे पास जैसे 5 डेटा एंट्री ऑपरेटर थे, अब हमने डेटा एंट्री ऑपरेटर 10 कर दिए हैं। एक ऑपरेटर को एंट्री करने में रफली 1 से 2 मिनट लगता है, तो इसीलिए हमने नंबर ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर बढ़ा दिए हैं, तो होपफुली 1-2 दिन में रिजल्ट अपने को मिले। कुल मिलाकर देखा जाए तो जांच के लिए भेजे जा रहे सैंपल की रिपोर्ट 24 घंटे में मिलने की शर्त पर ही सैंपल अहमदाबाद भेजे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।